नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोधा। तो यहाँ कराची के कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी हाँ मालिक। कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए जी। अच्छा, यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मैं था, देखो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरखन था, मैं पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई कर देते। दोस्त करता था? हाँ मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाए थे, दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र उसके साथ? खोते थे, स्लेप हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेप हटाया, स्लेप वो कब्र की जगह पे ना कहाँ पाँव की जगह होती है वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे, पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे कब्र में, अंदर मुड़ देखता लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ साथ। खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे खोदे अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला, और बाहर जैसे जैसे मैं निकला तौबा माफी मांगा, मैंने बोला अंदर के बाद ना मैं ये नहीं करूंगा। तौबा मांगी जी अल्लाह हाँ अल्लाह से। से खौफ आया, मैंने बोला अंदर के बाद नहीं करूंगा। कैसे तुम, मैं मतलब किस तरह कैसे किया तुमने, किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कह जी रहे हाँ हो? एहसास है, एहसास है जी तुम्हें? हाँ एहसास है, और मेरे को अपना बहुत शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने गलती हो शर्मिंदगी है गई। जी तुम्हें? हाँ एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं मैं ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों में बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था, किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है हाँ वो ना। मर गया, कब मरा है? वो हो गया उसके बाद ही मरा है किसके बाद? समझो, जो 48 वाकई किए ना उसके बाद फिर वो मरा है, वो रोन जी चरस ही चरस मरस पी रहा था, रोने में कितना लगा था। अरसा हो गया? इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा समझो, है। करवाई 8 साल हो गया इस बात, उसके बाद मरा था वो। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा है हाँ वो। उसके बाद तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं उसके बाद नहीं किया, उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने, 5 महीने एक ही कार्रवाई किया, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद, और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई किया है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया। फिर नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की? उसके बाद एक कार्रवाई की थी। एक हाँ बस ही? एक सेकेंड, आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना कि तुमने कार्रवाई शुरू की उसके साथ शुरू की? उसके साथ शुरू की तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं 8 नहीं, 3 साल हो गए, 4 2 साल उसको, 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया। चलें 2-2.5 साल पहले मरा होगा। 2.5 साल हो गए थे, 2.5 साल हो गए वो मर गया था, उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयां की? जी हाँ। सच बोलो भाई, क्या कह रहे हो भाई? सच 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 बोलो, सब कुछ सच सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया। हाँ ठीक है, जो आखिरी कार्रवाई मेरे साथ हुई ना, जो मैं 48 महीने किया कार्रवाई, उसके बाद जो मैंने जो आखिरी किया ना आखिरी 5 महीने बाद, उसके शुरू समझो ये वो जाते थे जैसे मैयत दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो, हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साल किया समझो दोनों ने मिलके। जी हाँ 48। ठीक है, वो मर गया, वो मर गया, तुम लगे रहे। हाँ मैं करता रहा उसके बाद, तुम उसके बाद करते रहे ना, तो 48 से अब नंबर आगे बढ़ गया ना। हाँ कितने हो गए ये समझो, 48 के साथ मैंने किया, उसके बाद फिर एक वाक्य मेरे साथ हुआ था आखिरी, जो आखिरी मेरे साथ हुआ 48 के अलावा, आखिरी जो हुआ उसमें समझो मैं कैसे कब्र खोदा, मैं समझो मैं अंदर गया कब्र की तरफ से, अंदर गया पीछे स्लेप हटाया, तो उसकी आंखों से रोशनाई हुई समझो, रोशनाई उसके मरने के बाद तुमने सिर्फ एक कार्रवाई की? उसके मरने के बाद नहीं किया है, काफी किए मैंने, 4 किए थे। 4 की हैं या काफी की हैं?
कितनी की हैं, सोचो, एक सेकंड ले लो, सोचो और सोच के बोलो कितनी की हैं। सजा तो तुम्हें अब जितनी होनी है वो एक ही दफा होनी है, चाहे एक की है या 48 की है या 60 की है, उसके मरने के बाद कितनी की है। शुरू कराने वाला तुम्हें कौन था ये? मैं गोरखा था, ओ वजीरा था, वजीरा था जा। उसके साथ मिलके जो तुमने करवाइयां की हैं, मिलके जो की हैं, मिलके जो 48 की हैं या 50 की हैं, वो क्लियर बताओ ना कि 48 की हैं 50 की हैं। उसके मरने के बाद जो तुमने की हैं, दो की हैं, चार की हैं, 10 की हैं, उसके मरने के बाद जो की हैं, अकेले जो की हैं, अकेले जो की हैं, दो हैं, चार हैं, पांच हैं, वो आप बताओ मैडम। वो मैंने दो की हैं। मैं नहीं मानती। नहीं, दो की हैं। मैं नहीं मानूंगी। बिल्कुल दो की हैं। उसके बाद मैंने गलती और माफी तौबा की। मैं मानती ही नहीं हूँ ये बकवास बात। नहीं, मैं उसके बाद यकीन करना, मैं अल्लाह से अल्लाह को भी हाजिर देना और मौत देनी है, जिंदगी देनी है। उसके अगर तुम्हें मौत देनी होती ना, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम किस पल ये परेशान हो, अगर तुम्हें मौत का खौफ होता ना तो तुम कब्रें ना खोदते, खुदा का खौफ करो। तुम इंसान हो या तुम जंगल में रहने वाले जानवर से भी बदतर आदमी हो। शर्मिंदा हूँ मैं, सब बहुत हो गया है, लेकिन शर्मिंदा हूँ। क्या करें तुम्हारी शर्मिंदगी का, उन वालिदैन को क्या जवाब दोगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जवाब देने बस गलती होगी माँ की। उसके बाद मैंने इतना किया, उसके बाद फिर समझो ना, कुछ मैंने नहीं किया, यकीन करना। अल्लाह को हाजिर ध्यान देने के बाद 50 काफी नहीं थी, और भी करना चाहते थे। नहीं अंकल, और मैं बाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसके बाद माफी तौबा मांगी। छोड़ दो माफी तौबा, देखो माफ करने वाला तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला किसको माफ करता है, किसको पकड़ता है, इसमें हम नहीं बात कर सकते, ठीक है? हम तो इस वक्त इंसानियत पे बात करेंगे कि तुम अपने आप को इंसान समझते हो या जानवर समझते हो। नहीं, इंसान समझते। इंसान समझते हो जी। इंसानों वाले कौन सा काम किया तुमने? इंसानों वाला काम नहीं किया है, तो जानवर ही हुए ना तुम। जी हाँ, जानवर। जानवर ही हुए ना तुम। तुम्हारी बहने हैं? जी हाँ, बहने हैं। जिंदा है? जी। ठीक है, अगर कल उनको मौत आ जाती है और इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उनके साथ ये हरकत होती है, क्या करोगे तुम? क्या करोगे उस आदमी के साथ? जान कत्ल मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ बेहुरमती हुई है। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारे लिए क्या सजा होनी चाहिए? मेरी सजा यही है कि बस अभी सजाए मौत भी हो सकता है, और आपने मांगना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि गलती के मैं अपना सांस करता हूँ, उसमें है कि बहुत मेरा कुछ हो गया, शर्मिंदा भी हूँ और काफ़ी, और मेरे बहुत तौबा भी मांगता हूँ अल्लाह से, और बहुत दिन के बाद मैंने बस तौबा भी माफ़ी मांग ली कि इंदा के बाद इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा, जो हो गया हो गया, जो हो गया वो हो गया। अभी इंदा बात कुछ भी मैं नहीं करूँगा। आइंदा की बात कोई गुंजाइश रह गई और कुछ? नहीं 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 नहीं, बस तौबा मांगता हूँ अल्लाह से और मदद चाहता हूँ, और शर्मिंदा भी हूँ, जो हो गया बस हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। तालीम वालीम ली है? कुछ भी नहीं है। कलमा आता? जी हाँ। नमाज पढ़ते हो? जी। कलमा पढ़ सकते हो? जी हाँ। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सजा यही है कि अभी बस सजा अपने मांगता हूँ, लेकिन ये है कि जो हो गया अभी हो गया। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सजा यही है कि अपने आप को समझो फांसी के लिए भी तैयार हूँ, इसके जो मेरे बहुत शर्मिंदा और इसके वजह से मैंने किया बहुत गलत किए, अल्लाह हाजिर और हाजिर देना। अभी ये है कि तौबा ही मांगता हूँ, अल्लाह ही करता हूँ, और गलती हो गई थी। गलती एक दफ़ा होती है, गलती दो दफ़ा होती है, गलती जिंदा इंसान के साथ हो सकती है। उसके बाद यकीन करना कुछ भी मैंने दो दफा वाकई किया, उसके बाद मैंने कोई उसे वाकई अल्लाह से तौबा मांग दी। 50 से ज्यादा कार्रवाइयां डाल चुके हो और तुम कह रहे हो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। बातें कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हारी तो बातों से ही मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी है। नहीं, शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी तो छोड़ो, तुम्हें तो मतलब है, तुम तो ये कहो कि तुम्हारे लिए ये डूब मरने का मुकाम होना चाहिए। आज तक तुमने दुनिया में कोई ऐसा वाकया सुना हुआ हो? नहीं। ये सबसे पहले कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? ये वो कराने वाला वही था, उसकी वजह से मेरे से भी समझो आ गया, दिमाग में आ गया, पता ही नहीं चला, एकदम समझो शुरू मेरे से भी हो गया था। कभी अपना नफ्सियाती दिमाग का इलाज कराने का सोचा है? नहीं। हाँ, पागल जो नहीं हो, जाहिर सी बात है, पागल तो नहीं हो ना? नहीं, पागल। होश और हवास में किया ना? पता था क्या कर रहे हो? हाँ पता था, बस हाँ बिल्कुल पता था ना? जी हाँ पता। कब्र खोदना, स्लैब लगाना, खास तौर पर एक औरत की कब्र पर नजर रखना, जी टॉर्च लगाना। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारा तुम्हारे अंदर दिल है, तुम अंदर कब्र के अंदर तुम घुसते कैसे थे? औरत का पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे दफने, जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था, उससे समझ जाता था कि ये औरत है। तुम्हें तो पाकिस्तान में ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि तुम्हें इबरत का निशाना बनाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना वो कभी सोचे भी ना ये काम करने का जो तुमने किया।
और मैं हैरान इस बात पे हूं कि तुम्हारी भाभियां हैं, तुम्हारी एक माँ थी जो अब जिंदा नहीं है, और तुम बहनों वाले हो। मैं हैरान हूं इस चीज पर। गलती है, माफी हो गया, बहुत माता जाता हूँ, उसके बाद जो हो गया हो गया, अभी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि काम ही नहीं करेंगे कब्रिस्तान, इंशाल्लाह छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ भी अपना। कब्रिस्तान क्या करोगे तुम, कब्रिस्तान का जाना छोड़ देंगे, तुम्हारा क्या, जिंदा छोड़ देंगे, जिंदा छोड़ देंगे तुम्हें, मार देंगे, मेरे को कौन बचता थोड़ी। मतलब ऐसे कह रहा है जैसे कोई गन पॉइंट पे किसी से मोटरसाइकिल छीन के आया हो। उसको माफी कहेगा वो, बस अल्लाह माफ करे, बस वही बोल रहा हूं। नहीं, और अपनी अपनी बहन का जब, अपनी बहनों का और अपनी भाभी का जब मैंने तुमसे सवाल किया तो उसके लिए तुमने कहा कत्ल की सजा होनी चाहिए, मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, उनको किनको, तुम्हारी बहन, तुम्हारे घर में अगर ये वाकया हो जाता तो क्या करते तुम? हाँ, उसको यही होता कि आपने भी ये कि उसको मार देते, कैसे उसने किया, ऐसे बहुत बंदे ऐसे कि उसको मार दो, जान से खत्म करो, क्यों हर किसी की माँ बहनें होती हैं। तो तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? हमारे साथ भी यही है कि सजा का ही है, समझो कैसे हम लोग ये मार देना चाहिए और सजा के लिए तैयार है। किस किस्म की सजा? सजाए मौत होनी चाहिए तुम्हें? जी हाँ। तुम्हारा दिल धड़का नहीं, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ? कमबख्त जिंदा आदमी कब्र में उतर कर ये हरकत करना, तुम्हें मतलब तुम्हारा दिल लर्जा नहीं है एक सेकंड के लिए भी? खौफ नहीं आया तुम्हें, खुदा का खौफ नहीं आया कि इस मिट्टी के नीचे जाना है मैंने, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, जिस कब्र के स्लैब में हटा रहा हूं इस वक्त, इसकी रूह का सवाल जवाब हो रहा होगा, इससे अपना परवरदिगार पूछ रहा होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम कलमा गो थे, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरे लिए क्या किया, वो सवाल जवाब की तैयारी कर रहा हो और तुम उसके जिस्म के साथ ये हरकतें कर रहे हो। कमबख्त एक दफा सोचा तो होगा कि तुम अंदर घुसते हुए तुम्हें मौत नहीं पड़ी, दिल नहीं लर्जा तुम्हारा? मैं बहुत मेरे से हो गया, बुरा किया, और मैंने बहुत एहसास मांगता हूँ और अल्लाह से भी तौबा मांगता हूँ, सजा के लिए भी तैयार हूँ, ऐसा क्यों किया मैंने, और अपना आपसे भी माता जाता हूँ, जो मेरे से बहुत गलती हुई है, अल्लाह से, उनके साथ भी, उनसे भी तो माफी, अल्लाह से, अल्लाह से तो माफी मांगो ही मांगो, लेकिन मांगो माफी उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से जिसके साथ तुमने ये किया। जी हाँ बिल्कुल, जिसको पाक करके घर वालों ने, एक उनका प्यारा चला गया, एक उनकी जवान बेटियां चली गई, उनको उन्होंने पाक करके कफन पहना के दिलों पे पत्थर रख कर उनके भाई उनके वालिद उनको तदफीन करके कब्र में उतार के गए, अल्लाह के सुपुर्द आखिरी आरामगाह पर भी तुमने उनको ना छोड़ा, तुम इतने बेहिस आदमी हो कि तुमने उनको आखिरी आरामगाह पे भी तुमने उनको ना छोड़ा। मुझे पता है मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी मैं उनकी कब्र में जाती हूं तो मेरा दिल लरज जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस कब्र में जाना है। तुम जानवर हो, जानवर तुम आदमी हो ही नहीं, तुम जानवर हो।